जय जय श्री राधे। भक्तों, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि श्री धाम वृंदावन में जाने पर हमें किन किन मंदिरों में दर्शन अवश्य करने चाहिए। तो सबसे पहले नंबर पर आता है प्रेम मंदिर। आप सभी इन मंदिरों के दर्शन क्रम अनुसार देखेंगे वीडियो में। और दूसरे नंबर पर आप दर्शन करेंगे कुछ ही दूरी पर प्रेम मंदिर से चलकर इस्कॉन मंदिर के। इन सभी मंदिरों के दर्शन हमने पहले ये करा दिए हैं और ये सभी मंदिरों की जानकारी आदि उसमें दी गई है, जिसे आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मेरा वृंदावन की प्लेलिस्ट में आपको वृंदावन के लगभग सभी मंदिरों के दर्शन प्राप्त मिलेंगे। तो आप चैनल पर जाकर वीडियो को देख सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, वह दर्शनों का आनंद ले। तीसरे नंबर पर आता है बांके बिहारी मंदिर। इस्कॉन मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर बांके बिहारी मंदिर आता है। और कुंज बिहारी के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं। कुंज बिहारी की अलौकिक छटा के दर्शन करने दूर दूर से भक्त आते हैं और कुंज बिहारी के मंदिर में भीड़ ही लगी रहती है हर समय। चौथे नंबर पर आता है श्री राधा वल्लभ जी का मंदिर। बांके बिहारी मंदिर से लगभग 200-300 मीटर की दूरी पर ही श्री राधा वल्लभ लाल जी का मंदिर है। कहा जाता है कि राधा वल्लभ जी के दर्शन बहुत ही दुर्लभ है, तो आप राधा वल्लभ जी के दर्शनों का आनंद जरूर ले। श्री धाम वृंदावन जाने पर सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक हमारे श्री राधा वल्लभ लाल जी का मंदिर है और राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन बहुत ही आनंददायक होते हैं। पांचवें नंबर पर आप सभी दर्शन करेंगे निधिवन के। निधिवन में ही हमारी वंशी चोर राधा रानी के बहुत ही दुर्लभ दर्शन भी प्राप्त होते हैं। निधिवन ही वो स्थान है जहाँ पर श्री कृष्ण नित्य आसरा चाहते हैं और आज भी निधिवन के रहस्य बना हुआ है, तो निधिवन के दर्शन भी आप अवश्य करें। इसके बाद कुछ ही दूरी पर श्री राधा रमन लाल जी का मंदिर आता है। निधिवन के बिल्कुल पास में ही श्री राधा रमन लाल जी का मंदिर है। छोटे से सबसे प्यारे ठाकुर हमारे श्री धाम वृंदावन के, इनके दर्शनों का आनंद जरूर लें। इसके बाद आता है रंग जी मंदिर, जिसे सोने के खंभे वाले मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और इस मंदिर में एक वैकुंठ द्वार भी है जो वैकुंठ एकादशी को ही खुलता है। रंगजी मंदिर के बिल्कुल पास में गोविंद देव जी का मंदिर है, उनका भी दर्शनों का आनंद ले। और इसके बाद वंशीवट के दर्शनों का आनंद ले, जहाँ पर श्री कृष्ण ने मारा से रचाया था मारा सतली श्री वंशीवट वृंदावन धाम में। भक्तों, ऐसे और भी दर्शन पाने के लिए और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे शेयर भी कीजिएगा। जय जय श्री राधे।